बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन .99 पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी स्पेक्ट्रम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पेक्ट्रम पर बात करेंगे, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके बाद स्पेक्ट्रम की टाइप्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। देखें, याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या किसी भी तरह की रेडिएशन को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आर वेवलेंथ आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आर वेवलेंथ जब आप अरेंज करोगे, दैट अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। आसान लफ्ज़ों में बात को समझिए कि जब रेडिएशंस को, फ्रीक्वेंसीज को एक ख़ास तरतीब में अरेंज कर दिया जाए, दैट अरेंजमेंट इज बेसिकली नोन एज स्पेक्ट्रम। तो हम क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईदर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ। सही है कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आर डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी नोन एज स्पेक्ट्रम। मैं वंस अगेन इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप कोई एक पैरामीटर ले लें, फ्रीक्वेंसी ले लें, वेवलेंथ ले लें या वेव नंबर ले लें, कोई एक पैरामीटर लेकर उसके खास ऑर्डर में जब आप अरेंज करोगे, दैट अरेंजमेंट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपके सामने इस पर बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एक स्पेक्ट्रम है उस पर, जिसमें तमाम रीजन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती है। सबसे पहले याद रखें कि हाईएस्ट एनर्जी वाली जो रेडिएशन है, दीज आर कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, विजिबल रेज, इंफ्रारेड आईआर रेडिएशंस, ठीक है, आईआर रीजन आ जाएगा, माइक्रोवेव्स और देन रेडियो वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम आता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये किस बेस पे है? अगर आप यहां डाउनवर्ड आते हैं, कॉस्मिक से आप रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इनकी एनर्जी या इनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और सॉरी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो यहां से आप ये कहोगे हाईएस्ट एनर्जी वाली कॉस्मिक रेज है, लोएस्ट एनर्जी वाली रेडियो वेव्स हैं, सही। तो हमने इनको एक खास तरतीब में, रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर दिया है, इसको आप क्या कहोगे, स्पेक्ट्रम कहोगे, क्लियर। अब इसमें देखे, यहां से अगर इस तरफ
इनर्जी या फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ इसकी एनर्जी बढ़ रही है, और इसी तरह से जब आप डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज कह रहे हो, इसका मतलब है वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हाईएस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन ये होंगी और लोएस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन ये होंगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आता है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट एब्रीवेशन है जो आप आसान वे में याद रखें, इनको याद रखने के लिए कि ये आपको कैसे याद रहे और यही सीक्वेंस आपको याद रहे, उसके लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि गाड़ी ये इससे लेते हैं सी, सी गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ये एक शॉर्टकट है, अगर आप इसको याद रखें तो ये सारा आपके जहन में आ जाएगा। गाड़ी गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इसका मतलब गाड़ी से आप जी याद रखें गामा रेडिएशन, एक्स से आप याद रखें एक्स रेज, यू से याद रखें यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वी से याद रखें विजिबल रेडिएशन, एन से आईआर याद रखें, एन से आईआर याद रखें, एम आई एम वाई माई से आप याद रखें माइक्रोवेव, और रेंज आखिर में रेडियो वेव। तो आसान सी एब्रीवेशन आप याद रखिए, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। आप अगर कॉस्मिक को भी बीच में लाना चाहते हैं तो आप ये कहें सी गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, जो कि मेरे ख्याल में व्हाटसोएवर इट्स ओके। आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्स रेज की। सॉरी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप्स हैं और किस किस तरह की टाइप्स हैं। अच्छा याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरी टाइप को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। पहला लेते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए यहां से हम थोड़ा सा एक चीज को यूं एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, ऑर्डिनरी लाइट की बात की जाए, ऑर्डिनरी लाइट आपको वाइट कलर की नजर आती है। अब इसमें तमाम कलर्स मौजूद होते हैं। इस लाइट को जो ऑर्डिनरी लाइट है, इस लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म से पास करें तो ये लाइट डिफरेंट कलर्स में, जो कलर इसके अंदर मौजूद है उन कलर्स में ये लाइट स्प्लिट हो जाएगी। अमूमन ऑर्डिनरी लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, वायलेट एंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। जब भी ऑर्डिनरी लाइट को आप प्रिज्म से पास करते हैं तो ये लाइट आपको डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होके नजर आती है। इस कलर के कॉम्बिनेशन को भी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इस कलर के कॉम्बिनेशन को भी क्या कहोगे, स्पेक्ट्रम। कि इसमें भी अगर आप देखो ये रेडिएशन है वायलेट एंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये एक पैटर्न में एक तरतीब में अरेंज है और दैट अरेंजमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्लियर। अच्छा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे। पहले देखिए मैंने यहाँ पे ये कहा था वेब गायर विजिबल वायलेट
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमें विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है। अब कंटिन्यू स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि कलर का एक ऐसा कम्बिनेशन कि जिसमें कलर्स के दरमियान बाउंड्री ना हो। जैसे आमतौर पर देखें आप रैम्बो देखते हैं तो रैम्बो में आपको कलर्स के दरमियान बाउंड्री नहीं मिलती है, कोई डिमार्केशन लाइन, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती जहाँ से आप ये बात इंडिकेट कर सकें कि रेड एंड हो गया है, ब्लू शुरू हो गया है, वायलेट एंड हो गया है, नेक्स्ट कलर शुरू हो गया है, या कोई भी सो एवर। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि वायलेट के बाद इंडिगो है। अब कंटिन्यू स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता कि वायलेट एक पॉइंट पर एंड हो जाए, नेक्स्ट कलर शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे एक कलर जाते जाते कम हो जाता है, दूसरा बीच में से शुरू हो जाता है, हमें नहीं पता चलता वायलेट कहाँ पर जाके एंड हुआ है, इंडिगो कहाँ पर कहाँ से जाकर स्टार्ट हो गया। तो आप ये कहोगे कि when there is no clear cut boundary between colors of spectrum, जब स्पेक्ट्रम के कलर्स में कोई बाउंड्री ना हो, कोई डिस्टिंक्शन ना हो, उसको आप क्या कहोगे? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसकी एग्जांपल पर बात करें तो रैम्बो, मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी, रैम्बो अगर आप रैम्बो को देखें तो वहाँ पे आपको कलर्स के दरमियान बाउंड्रीज नहीं मिलती है, कोई क्लियर कट डिमार्केशन लाइन नहीं मिलती है जहाँ से आप इस बात को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि एक कलर एंड हो गया है, नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो गया है। दूसरी टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाएगा। अब ये बिल्कुल उसके अपोजिट है कि अगर कलर्स के दरमियान, स्पेक्ट्रम के कलर्स के दरमियान एक क्लियर कट बाउंड्री हो, क्या आपको हर कलर के बाद नेक्स्ट कलर जो स्टार्ट हो रहा है एक खास और स्पेसिफिक बाउंड्री नजर आए, उसको आप कहते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कि जब कलर्स के दरमियान एक क्लियर कट बाउंड्री हो, डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो, तो उस कलर के कॉम्बिनेशन को आप कहोगे लाइन स्पेक्ट्रम। के व्हेन देयर इज क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन कलर्स, दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये यूजली एटम में इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से आता है। अब किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो उस एक्साइटेशन के दौरान वो खास और स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो खास और स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका मतलब है कि उनका कलर भी क्या आना चाहिए? स्पेसिफिक आना चाहिए जब वो उस लाइट को दोबारा एमिट करेंगे, तो आपको एक खास और स्पेसिफिक कलर नजर आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हर कलर अलग से नजर आता है, हर वेवलेंथ अलग से नजर आती है। आप इसको इस वे में भी कह सकते हो कि व्हेन देयर इज अ क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन कलर्स, जब कलर के दरमियान बाउंड्री हो तो उसको आप कहोगे लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और अगर बाउंड्री ना हो तो उसे आप कहोगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब हम इसके आगे टाइप की बात करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर टू टाइप्स है, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फर्दर टू टाइप्स हैं। इसमें आपके पास एक टाइप है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरी टाइप है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दो टाइप्स।
अब लाइन एब्जॉर्प्शन क्या है? पहले हम देखते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए, फॉर एग्जांपल लेट से हम कहते हैं ये कोई एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज है। अब आप क्या कहते हो कि हम बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हर तरह की रीजन की वेवलेंथ मौजूद है, हर तरह की रेडिएशन मौजूद है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वो रेडिएशन, वो वेवलेंथ जो इसको यहां से यहां ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होगी उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, बाकी तमाम रेडिएशन ये छोड़ देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके यहां पे, बाकी रेडिएशन यहां से उसी तरह से चली जाएंगी। इसको यूं समझिए, देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदा एक पानी के किनारे पे खड़ा है, दरिया पूरी का पूरा बह के जा रहा है। अब उस दरिया में से वो पानी उतना ही ले सकेगा जितना उसकी कैपेसिटी होगी, बाकी सारा पानी उधर से ऐसे ही गुजर जाएगा, समझ रहे ना? तो पानी तो उसी पूरा आ रहा है, जैसे यहां पर रेडिएशन आ रही है, हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन सी ले रहा है जो उसको चाहिए, जितनी वो ले सकता है वो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी उसी तरह से आगे चली जाएंगी। जब इन रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करेंगे, इन रेडिएशन को आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करोगे तो इससे जो स्पेक्ट्रम आएगा उसे हम कहेंगे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम की जो मेन बात आपने याद रखनी है दैट देयर शुड बी वाइट बैकग्राउंड। क्या होना चाहिए? वाइट बैकग्राउंड विद डार्क लाइंस, इस स्पेक्ट्रम की खास बात है। कि आपके पास जब स्पेक्ट्रम आएगा, चार्ट आएगा, तो उसमें जो पूरा बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा और उसके बीच में डार्क लाइंस आएंगी जो ये बताएंगी कि इस एरिया की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है और बाकी एरिया उसी तरह से ऐसे ही पड़ा है, ठीक है? तो सारी रेडिएशन के आने का मतलब है कि वो वाइड है, लेकिन बीच में कुछ रेडिएशन मिसिंग है, तो इसको हम कहेंगे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसी तरह हम बात करते हैं लाइन अमिशन स्पेक्ट्रम की। लाइन अमिशन क्या है? अच्छा जी, अब देखिए नंबर टू, लाइन अमिशन स्पेक्ट्रम देखिए, उसी तरह से हम वही कहते हैं कि एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसका एक्साइटेड स्टेट में। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ वही एनर्जी मौजूद है जिसने नीचे से ऊपर जाते हुए एब्जॉर्ब की है, वो एनर्जी वो रेडिएशन जो इसने नीचे से ऊपर आते हुए एब्जॉर्ब की है, बाकी सारी रेडिएशन वो तो वहां से चली गई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आना चाहेगा, ये डी एक्साइड होके यहां आना चाहेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को ये इमिट करेगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट होगी, इस एनर्जी को जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करेंगे, इस एनर्जी को या रेडिएशन को जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करोगे उसको आप कहोगे लाइन अमिशन स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम आपको एमिटेड रेडिएशन से मिलेगा उसे कहा जाएगा लाइन अमिशन स्पेक्ट्रम, क्लियर? अब इसमें आपके पास स्पेक्ट्रम का जो चार्ट आएगा वो किस तरह से होगा उसको याद रखना है। डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड। अब इसकी मिसाल उसी तरह से समझ लें, देखें जैसे वो दरिया से उस बंदे ने थोड़ा सा पानी लिया था, अब वो पानी गिराना चाहता है तो क्या होगा? वही पानी जो उसके पास मौजूद है वो थोड़ा सा पानी गिरेगा, बाकी तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो बाकी सारी जगह क्या रहेगी? डार्क या खाली रहेगी,
सिर्फ वही थोड़ा सा पानी उस पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास तो सिर्फ वो थोड़ी सी रेडिएशन है जो इसने एब्जॉर्ब की है, बस वो रेडिएशन ये एमिट करेगा, बैकग्राउंड सारे का सारा डार्क आएगा, बीच में ब्राइट लाइंस आ जाएंगी विद ब्राइट लाइन, बीच में ब्राइट लाइन आ जाएंगी। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ओवरऑल आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पेक्ट्रम को कवर किया, स्पेक्ट्रम की दो मेन टाइप्स पे बात की, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, फिर लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स पे बात की। उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट इसके क्लियर होगा, कोई किसी पॉइंट पे आपको कोई एम्बिग्यूटी, कोई ऑब्जेक्शन या कोई बात क्लियर नहीं हुई है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जल्द आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।